नमस्कार दोस्तों, BPCL के शेयर में आज के ट्रेडिंग सेशन में 0.9% के क्लियर आपको तेजी दिखाई दे रहा है। तो उसी के साथ देख सकते हो स्टॉक में यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बन रहा है और पिछले 4-5 दिन से स्टॉक में लगातार गिरावट बना हुआ है। तो सवाल आ रहा है क्या स्टॉक में और भी तेजी आएगा या स्टॉक में गिरावट आएगा। तो अगर ऊपर बढ़ेगा क्या टारगेट रहेगा, नीचे जाएगा तो क्या सपोर्ट लेवल रहेगा, सभी कंडीशन को आज हम इस वीडियो में क्लियरली समझेंगे। तो इस वीडियो को कम्प्लीटली ज़रूर देखिए। तो यहाँ पर दोस्तों BPCL शेयर को थोड़ा सा डिटेल में समझने के लिए मैं वीकली टाइम फ्रेम आपको लेकर आया हूँ। और यहाँ पर देखेंगे स्टॉक जब हाई लगा आप देख सकते हो यहाँ पर 372 रुपये को, और सपोर्ट लाइन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर 322 रुपये में, और एक सपोर्ट लेवल आपको यहाँ पर भी नजर आ रहा है जो कि 277 या 278 रुपये के पास में है। अगर हम चार्ट को डेली टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो देख सकते हो स्टॉक काफ़ी समय तक यहाँ पर एक रेंज बना रहे हैं। अब संभावना रहेगा 322 को सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ने की। जब 322 को सपोर्ट लेके ऊपर बढ़ेगा और इस लेवल को ब्रेकआउट कर देगा 372 को, तो उसके बाद क्या क्या टारगेट रहेगा उसको यहाँ पर हम समझने वाले हैं। दोस्तों अगर बात करेंगे टारगेट के, तो यहाँ पर आपको 407 रुपये में पहला टारगेट दिखाई देगा और दूसरा टारगेट आपको दिखाई देगा यहाँ पर 458 की, और तीसरा टारगेट आपको दिखाई देगा यहाँ पर 509 रुपये की, और नेक्स्ट टारगेट यानी कि चौथा टारगेट आपको दिखाई देगा 540 रुपये 80 पैसे में। स्टॉक में दोस्तों बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं है। वीडियो एजुकेशन पर्पज़ बनाए गए, इस वीडियो को लाइक करें। सो धन्यवाद दोस्तों।